हम आपको अपना व्लॉग दिखा रहे थे और जो अम्मा है, अम्मा ने हमें देखा और हम तक पहुंची है। ये कह रही है कि हमारी वीडियो बनाए इंशाल्लाह इनके घर। हाँ ये रही, तो ये देखें इस पे जो है ना, इसका जो फल जो है ना लगना शुरू हो गया है, तो इंशाल्लाह ये बहुत जल्द कपास। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करती हूं कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं। अल्लाह ताला आपको खुशी से पता करूँ, मैं भी बेरोजगार हूँ, अल्लाह ने रोजगार होता तो मैं भी औलाद है, अल्लाह ताला उन्होंने बोला। जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। और आप चलते हैं वीडियो की जानिब। और आज इनका हो रही है कपड़े, इकरा को तो शर्म आ रही है। असल में इकरा को शर्म इसलिए आ रही है कि जो नील वाले कपड़े तो उसे जिसने नील दिया, जो जिसको नहीं देना तो उसको भी इकरा ने नील दे दिया। तो इकरा शर्मा रही है कि अम्मी का सामना कैसे करें। तो अब चलते हैं आगे, मजीद आज आपको हम बहुत खूबसूरत ब्लॉग दिखाने वाले हैं। आइए तो आइए, तो ये देखें आज आंधी का मौसम बना हुआ है। कल रात भी बहुत तेज़ आंधी आई थी, ऐसा लग रहा था जैसे कि तूफान है। और आज भी आंधी का मौसम बना हुआ है और बादल भी छाए हुए हैं। तो अल्लाह करे, अल्लाह ताला अपनी रहमत बरसाए। तो आज बहुत प्यारा मौसम बना हुआ है माशाल्लाह से। आज मज़ीद आपको आगे लेकर चलते हैं, आगे आइए। तो अब हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं माशाल्लाह से। ये ज्वार उगी हुई है, ये किसी की है लेकिन अभी फिलहाल ये हम इसमें खड़े हैं तो ये हमारी है। लेकिन जो इसके मालिक है वो आ गए तो हम लोग की जूतियाँ हाथ में होंगे, हम दौड़ रहे होंगे क्योंकि वो कहेंगे कि आप लोगों ने आकर हमारा नुकसान कर दिया। तो हम लोगों ने, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसके ऊपर पाँव ना हो, खाली जगह पर पाँव रखा हुआ है। तो ये दरख्त जो है अब घने हो रहे हैं, लेकिन मेरे घर के नज़दीक जो दरख्त है वो घना नहीं हो रहा। तो हम लोग सारा दिन गर्मी में बैठते हैं अंदर कमरे में, बहुत ज़्यादा तापिश होती है, बहुत गर्मी होती है। तो यहाँ पर माशाल्लाह से छाँव है लेकिन हमारा घर दूर हो जाता है, हम लोग यहाँ पर नहीं आ सकते, नहीं बैठ सकते। यहाँ पीछे भी आप देखें माशाल्लाह से बहुत घने दरख्त हुए हैं। तो अब ये मेरे मियाँ भी आ चुके हैं, उमर और उमर के जो बाबा हैं यहाँ पर आ चुके हैं। देखते हैं अब इनसे बात करते हैं, ये आज हमें बाप बेटा हमें क्या सलाह देने के लिए आए हैं, क्या मशवरा देने के लिए आए। तो जी बात कीजिए, क्या कहने के लिए आए? उमर बेटा तुम्हारी मम्मा क्या कह रही है? नहीं लगता उम्र को आपकी बात की समझ नहीं है। मम्मा के पास आना चाहते हो? आ जाओ मम्मा के पास। ये मम्मा के पास, उम्र जो है ना मम्मा के पास ज्यादा खुश रहता है, अपने अब्बू से जो है ना उम्र की ज्यादा। अस्सलाम वालेकुम हमारे प्यारे विवर्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं ठीक होंगे। हम भी ठीक है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और सुनाए कैसे है सब बहन भाई, ठीक ठाक है? तो सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारे घर के साथ एक जगह है, वहाँ पे एक ज्वार उगी है। ये मेरी घर वाली कह रही थी कि जो है ना ये मालिक तो नहीं है, लेकिन जो मालिक है इसका, सबसे जो मालिक है अल्लाह ताला है, ठीक है? तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इतना तो मुझे भी पता है अल्लाह ताला मालिक है। लेकिन फिलहाल तो जो जिसने ये उगाई हुई है उसको तकलीफ होगी कि हमारा इतना नुकसान कर दिया है। वैसे ये बात तो ठीक है, मालिक अल्लाह ताला ही है, लेकिन अल्लाह ताला ने जिसको अता की है। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं ठीक होंगे। हम अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी सब ठीक हैं, हम भी ठीक हैं। ये कपास उगी हुई है, कपास उगी हुई है, कपास। इकरा का कहने का मतलब था कि ये कपास उगी हुई है। माशाल्लाह से मेरी बेटी जो है ना उर्दू बोलने की कोशिश करती है लेकिन अभी से उर्दू सही नहीं आ रही क्योंकि हमारे गांव में जो है ना सुराखी का माहौल है। इंशाल्लाह खाला तो नहीं वीडियो पड़े इसी तरह घर की तगाने बड़े ये तो ना इंशाल्लाह तो वीडियो बड़े सुन। कमरा कच्चा है पक्का है मां? कच्चा कोठी है, छत क्या नहीं। अच्छा चलो असा सवेरे तारी वीडियो बने तो मां, क्या तारी बड़ी मेहरबानी से, बड़ा मेहरबानी से। अच्छा ठीक है, आज जो है ना ये हम मिली है। इंशाल्लाह कल के व्लॉग में, कल की वीडियो में आप लोगों को जरूर मिलवाएंगे, इनके घर जाएंगे इंशाल्लाह, इनका घर का माहौल। आज हम आपको अपना व्लॉग दिखा रहे थे और जो अम्मा है, अम्मा ने हमें देखा और हम तक पहुंची है। ये कह रही है कि हमारी वीडियो बनाए इंशाल्लाह, इनके घर जाएंगे और इनकी वीडियो जरूर बनाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि मेरे बहन भाई इनका साथ जरूर देंगे इंशाल्लाह। के दौर में लोग कहते हैं कि आज के दौर में हर बंदा जो है ना मतलब परस्त है, किसी को मतलब होता है तो कोई किसी का काम रोना नहीं है, रोना नहीं है। लेकिन जो है ना
फिर रहते हो। अल्लाह माफ करे ऐसी मेरी दिया मामा। तो देखें ये माँ इतनी मजबूर है बेचारी, तो ये मुझे माँ रोने लग गई है, ये तो रोने लग गई है। अल्लाह ताला इनको जो है ना अपना घर ता करे। अच्छा माँ तो सरो मना परेशान ना थी, इंशाल्लाह अल्लाह ताला तेरा कोई मदद सबब बने सी। जहाँ तक मेरी सोच काम करती है, मुझे लगता है कि जैसे कि मैं चैनल पे आ रही हूँ तो मुझे लोग सपोर्ट करते हैं, मुझे मेरे चैनल को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो वो मुझे किसी घर से तो नहीं करते ना। तो मेरा दिल नहीं मानता कि लोग मतलब परस्त हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, लोग मतलब परस्त नहीं हैं। तो हम सब बहन भाई हैं, इसी तरह मिलकर हम लोगों ने काम करना है, कोई भी काम करना है हम लोगों ने मिलकर काम करना है। तो इंशाल्लाह मिलकर काम करने से जो है ना बरकतें होती हैं। तो मैं ये कह रही थी कि हमारे जो मैं काम कर रही हूँ दूसरे लोगों की, गरीबों की वीडियो बना रही हूँ, तो अगर आप लोग मदद कर सकते हैं तो उनकी मदद करें, उनकी हेल्प करें। अगर नहीं कर सकते तो मेरी वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरे वीडियो को इतना ज़्यादा फैलाएं ताकि मेरा चैनल जो है ना मोनोटाइज हो और मैं अपनी ही चैनल की तनख्वाह से, अपने पैसों से जो ना अपना बच्चों का भी गुजारा करूँ और ऐसे मजबूर लोगों की मदद भी करूँ। और मैंने पहली वीडियो में भी आप लोगों से यही कहा था कि मेरा दिल करता है कि मेरे पास हो तो मैं ज़्यादा नहीं दे सकती, तो कुछ उनका आसरा करूं, कुछ उनका साथ करूं और कुछ उनको उन तक पहुंचाऊं। तो चलते हैं आप टॉपिक की तरफ। तो ये देखें, ये कपास वही है जिसमें मैं जो है ना चित्रही के लिए आई थी, ये वही कपास है माशाल्लाह से। अब जो है ना ये बहुत बड़ी हो चुकी है, उम्र इसमें आ जाए तो उम्र छुप जाएगा। उम्र आपने चेक करना है, इसमें छुपना है आपने। अच्छा तो आप आना चाहते हो, आ जाओ। ये देखो भी उमर भी कपास में आ गया, आप देख सकते हैं। उमर भी जो है ना चेक करने के लिए है कि वाकई मैं छुप सकता हूँ कि नहीं छुप सकता, मम्मा ऐसे ही कह रही है। तो ये वही कपास है मैं जिसमें मैंने एक वीडियो में आपको दिखाया था, मैं यहाँ पर इसकी चित्र करने के लिए आई थी, मेहनत के लिए आई थी। तो उस वक्त हम लोगों ने जो है ना इसके छोटे छोटे से ये थे, दो दो तीन तीन थे, तो हम लोगों ने एक निकाला था और ये दो तीन निकाल दिए थे और एक को छोड़ा था। माशाल्लाह से अब ये आप देख सकते हैं बिल्कुल खूबसूरत से कपास भी, और इसके जो है ना फल जो है ना वो भी इसको हो रहा है। आपको इधर मैं आपको दिखाती हूँ, इसके फूल लगे हुए हैं। तो यहाँ ही मैं कहीं देखते ही थे मुझे, हाँ ये रहे। तो ये देखिए इस पर जो है ना इसका जो फल जो है ना लगना शुरू हो गया है। तो इंशाल्लाह ये बहुत जल्द कपास जो है ना तैयार हो जाएगी और यहाँ से बहुत से मुल्कों में जाएगी ये कपास, और लोग जो है ना इस कपास से जहाँ फैक्ट्रियों में जाएगी, कपड़ा बनेगा इसका। आज हमने जाना था एक मदरसे में है ना, तो हमारे पास मोटरसाइकिल नहीं है, हमारा एक भांजा है वो हमारे साथ जाता है कहीं दूर जाना हो तो वीडियो बनाने के लिए, तो इसलिए आज वो कहीं और काम किया हुआ था, हम वहाँ पे जा नहीं सके। तो मदरसे में कुछ सिपारे लेने हैं, ताले बिलब पढ़ते हैं, उनके लिए सिपारे लेने हैं और कुछ उनके लिए जो है ना ईंटों की ज़रूरत है, सीमेंट की ज़रूरत है। तो सुबह इंशाल्लाह आपको सब बहन भाइयों को उनसे मुलाकात कराएंगे, उनकी वीडियो भी बनाएंगे इंशाल्लाह। दुआ करें बस उस मदरसे की तमीर शुरू हो जाए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ऐसे काम करने से मदरसे बनवाना या मस्जिद को तमीर करवाना जो है ना बहुत ही नेक काम होता है, और मैं ऐसा काम करने के लिए जाऊँ मस्जिद बनवाने के लिए मैं जाऊँ, मुझे बहुत खुशी होगी। मैं अगर वहाँ तक पहुँचूँ, अल्लाह ताला मुझे वहाँ तक लेकर जाए और मेरे बहन भाई भी है ना उस जो है उसमें हिस्सा लें, उसको बनवाने में हमारी मदद करें, तो इंशाल्लाह वो मस्जिद जब तमीर हो जाएगी तो उसमें बच्चे पढ़ेंगे, उसमें जो भी सहूलतें आएंगी, पानी पंखे ईंटें वगैरह उसको जितना भी खर्चा होता है अगर वो हो जाए तो बच्चे पढ़ेंगे और बहुत दुआएं देंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके हमें ये ज़रूर बताएं, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे। उस वक्त के लिए हमें दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।